हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है इस्ताल है वेलकम है स्वागत है दोस्तों मंजिल एकेडमी यूटूब चैनल आपकी जो मंजिल है चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बाद में चैनल पर प्ले बनी हुई है आप अपना कंटेंट प्ले पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दोस्तों अभी जो हमारी वीडियो क्लासेज चल रही है जो लेक्चर चल रहे हैं वो कक्षा आठ की उर्दू की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है जान पहचान उसकी लेक्चर सीरीज़ का अध्ययन हम कर रहे हैं और लगभग चौदह पंद्रह पाठ हमने इसके पढ़ लिए हैं और जैसा कि ये देखो ये सीरीज़ जो है ये हमारा वतन कपड़ों की दावत लोकगीत लोक का फल एम ए सुबह लक्ष्मी गारू जुगनू सुबह कभी तो आएगी बीरबल की हाजिर जवाबी बुढ़िया चिड़िया की कहानी मिर्चनामा नामा जूटे की कहानी एक लड़की का गीत सैयद मुश्ताक अली और गेंट ये दोस्तों इतने पाठ यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं अगर आप इन पाठों को देखना चाहते हैं तो कक्षा आठ के नाम से उर्दू की उर्दू की एक प्ले बनी हुई अपने चैनल पर उसको आराम से देख सकते हैं दोस्तों आज इसके बाद में इस बुक से हमारे पास सिर्फ ये इतने लेक्चर और बचे हैं छः पाठ और बचे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों इस क्लास के अंदर एक नज़म है औरतों का दर्जा बहुत बेहतरीन नज़म है जिसके मुसनफ़ हैंताफ़ हुसैन हाली जिसके मुसन्फ़ कौन हैं हैंफ़ हुसैन हाली बहुत बेहतरीन नज़म है तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस नज़म को दोस्तों अलताफ़ हुसैन हाली साहब की जो नज़म है उसका नाम है औरतों का दर्जा इस नज़म का नाम क्या है दोस्तों औरतों का दर्जा दोस्तों आपको बता दूं अभी तक जितने भी हमने इन पाठों को पढ़ा है इस कक्षा आठ की पुस्तक में जो शब्दावली है जो इसके अंदर लफ्स इस्तेमाल हुए हैं उसमें अगर मैं आपके लिए बोलूं तो सबसे जो मुश्किल शब्दावली है अभी तक के जितने पाठ पढ़े हैं वो आपको इस पाठ में देखने को मिलेंगे क्योंकि जो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन उनके लिए जितने भी मुश्किल जो लफ्ज़ हैं वो इसी पाठ में आएंगे आपके ये मान लो कक्षा आठ के अभी तक जितने भी पाठ पढ़े हैं सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लफ्ज़ हैं जो शब्दावली है वो इसी पार्ट में हमें हैं और इस तरीके के पार्ट से 200 पैराग्राफ बनने की बहुत संभावना है नजम के तौर पर जो आप चाहे रीट लेवल फर्स्ट में हो चाहे सेकेंड में हो नजम के तौर पर इस तरह का पैराग्राफ बनना बनने की बहुत संभावनाएं रहती है दोस्तों क्योंकि इसके जो जो शब्दावली है इसके जो लफ्ज़ हैं उसमें आप उस एक तो इसके माने डिफ़िकल्ट हैं और दूसरे इसके जो मुतरदिफ और मुतजाद है वो भी काफ़ी मात्रा में इसमें बन जाते हैं तो पढ़ते हैं दोस्तों अलताफ़ हुसैन खाली साहब औरतों का क्या दर्जा है हमारे समाज में हमारे देश में उसका महत्व यहाँ पर इस नजम के अंदर बताया है तो वो कहते हैं ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुम से है और मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें और तुम ही कौमों की इज्जत तुमसे है यानी कि वो कहते हैं उन औरतों को दर्जा देते हुए बुलंद दर्जा देते हुए कहते हैं कि ए माओ और बहनों और बेटियों ये जो दुनिया है ये जो संसार है इसकी जीनत इसकी इज़्ज़त आवर सिर्फ तुम ही हो ठीक है और मुल्कों की जो बस्ती हुई ये जो मुल्क बसे हुए हैं जितने भी जितने भी देश बसे हुए हैं उनकी जो बस्तियां हैं वो भी सिर्फ तुम्हीं से ही हैं ठीक है ठीके? और कौमों की इज़्ज़त भी तुम्ही है तुम्हीं से है और जितने भी ए, कौम के रूप में जो फिरके बटे हुए हैं उन सब की इज्जत भी तुम ही हो आगे वो कहते हैं तुम घर की हो शहज़ादियाँ और शहरों की हो आबादियाँ और गम गंग, गमगीन दिलों की शादियाँ दुख सुख में राहत तुमसे है आगे वो बयान करते हैं पहले वाले अशारे में तो उन्होंने बोला कि जो दुनिया है जो संसार है वो सिर्फ़ उसकी जीनत ही तुम हो और जो कौम है उनकी जितने भी देश-देश के अंदर जितनी भी कौम है उनकी इज्जत भी तुम ही हो और तुम घर की हो शहजादियाँ और तुम अगर किसी भी घर में पैदा होती हो तो वो उस घर की एक शहजादी के, के तौर पर हो तुम और शहरों की हो आबादियाँ एक तरह से अगर शहरों की आबादी भी है तो वो सिर्फ़ तुम्ही से है इतनी तारीफ़ कर रहा है वो औरतों की अलताफ़ हुसैन अली साहब आगे लिखते हैं वो गमगीन दिलों की शादियाँ शादियाँ का माना यहाँ पर दोस्तों खुशी है बड़े ध्यान से समझना इस लेक्चर को अगर कोई लफ्ज़ नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो गमगीन दिलों की शादियाँ और दुख सुख में राहत हो तुम आगे वो औरतों को तारीफ़ करते हुए लिखते हैं अपने अलताफ़ हुसैन हाली साहब गमगीन दिलों की शादियाँ मतलब जो बेचारे गमगीन हैं जो दुख से मारे हुए हैं उनके दिलों की खुशी हो तुम और उनके दुख सुख में जो आराम है जो राहत है उनको सुकून है वो तुम ही से है अगर कोई गम बेचारा गम से मारा हुआ है उनके दिलों की खुशी भी तुम हो और उनके दुख सुख में अगर कोई सुकून है तो वो सिर्फ तुम ही हो आगे है दोस्तों तुम हो तो गुरबत है वतन तुम हो तो गुरबत है वतन तुम दीन है तुम तुम बिन सॉरी यहाँ पर तुम बिन है वीराना चमन तुम बिन ये यह यहाँ पर दोस्तों बिन है तुम बिन तो तुम हो तो गुरबत है वतन गुरबत है वतन गुरबत का माना है दोस्तों या तो आपके वतन या घर से दूरी जो दूर रहते हैं ना वो तुम हो तो गुरबुत है गुरबत है वतन और तुम बिन है वीराना चमन यानी कि अगर तुम हो तो जो वतन की जो दूरी है जो घर से वो दूरी है तो तुम बिन वो कम हो जाती है मतलब ऐसा है कि ये मान लो कि आप गुरबत एक इंसान अगर कोई घर से दूर रहता है एक कोई भी इंसान और अगर उसके पास में कोई मतलब उसके घर में या परिवार में अगर मान लो कि ए, औरत नहीं है तो जो सुकून घर के अंदर होना चाहिए जो मतलब ए, अपने इस खुशियों का माहौल होना चाहिए वो औरत के बिना संभव नहीं है और तुम दीन है वीराना वीरान तुम बिन है वीरानाए चमन अगर वो आगे लिखते हैं कि अगर तुम नहीं हो तुम नहीं हो तो ये जो चमन है ये जो गुलिस्ता है ये जो बाग है चाहे कोई भी किसी भी देश का हो चाहे कोई घर का हो तो ये सब वीरान है यानी कि ये यही तो कहना चाहता है इस इस शेयर में इसको आप यूँ समझो कि अगर तुम नहीं हो तो ये जो चमन है ये ये जो गुलिस्ता है ये बाग है ये देश है चाहे कोई भी देश हो वो सब गुरबत से भरे हुए हैं वो सब गुरबत से भरे हुए हैं तुम्हारे बिना ठीक है एकदम वीरान सुनसान आगे लिखते हैं हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है तो दोस्तों हलावत हलावत का माना होता है मिठास हलावत का माना क्या होता है मिठास आप इस तरीके से याद रखते हो दोस्तों इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि हलावत हलावत से आप हलवाई याद रख लो हलवाई हलवाई क्या करता है मिठाई बनाने का ही तो काम करता है तो हलावत का माना हो गया मिठाई तो ये लिखता है आगे हो देश या प्रदेश जीने की हलावत तुम्हें से है चाहे किसी भी देश में चले जाओ चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाओ जो जीने की जो मिठास है वो सिर्फ़ तुम्ही से है किससे औरतों से नेकी की तुम तस्वीर हो और सिफ्त की तुम तदबीर हो नेकी की तुम नेकी की तुम तस्वीर हो और सिफ्त की तुम तदबीर हो तो दोस्तों यहाँ पर इफ्त है यहाँ पर ये नाम थोड़ा साफ़ नहीं दिखाई दे रहा आपको ये एन फ़े और ते या ये वाला जो लफ्ज़ है ये नाम है दोस्तों एन फ़े तय इफ्त ये आगे वो लिखते हैं इफ्त का माना है दोस्तों पाकिजगी इफ्त का माना क्या है दोस्तों पाकिजगी नेकी की तुम तस्वीर हो और इफ्त की तुम तदबीर हो यानी कि जो नेकी है जो नेक नेकी है उनकी उसकी तुम तस्वीर हो और सिफ्त का माना होता है पाकिजगी और पाकिजगी की तुम तदबीर हो तदबीर का माना होता है दोस्तों वैसे आप समझो तो एक तरीके से सोच विचार है तदबीर का अगर मतलब लफ्जी माना अगर हम देखें तो सोच विचार सोच विचार करने वाली जो कोई है तो वो तुम हो तुम ठीक है हो दीन की तुम पासबा हो दीन की तुम पासबाँ ईमान सलामत तुमसे है ईमान सलामत तुमसे है आगे शायर शायर लिखते हैं हो दीन की तुम पासबान पासबाँ का माना होता है दोस्तों पहरेदार यानी कि इस दीन की अगर कोई पहरेदार है तो वो सिर्फ़ तुम हो जो ईमान को सलामत रख सकती हो यानी कि जिस जो ईमान जो है वो उसको सलामत तुम ही ये अगर ईमान अगर हमारा ज़िंदा है सलामत है तो वो सिर्फ़ तुम से है आगे बढ़ते हैं फितरत तुम्हारी है हया तुइनत फितरत हम फ़ितरत तुम्हारी है हया तुइनत ये दोस्तों ये नाम है तो ठीक है तो तीनत में है मेहरू वफा मेहरू वफा तो यहाँ पर तीनत का माना होता है दोस्तों ये जो तीनत है इसका माना होता है आपके खसलत खसलत समझ लो या आप मान लो इसका एक माना फितरी जो फितरी चीज़ होती है ना वो फितरत तुम्हारी है हया यानी कि तुम्हारी जो फितरत में है तुम्हारी जो आदत में है वो क्या है हया है शर्म है और तीनत में है मेहरू वफा मेहरू वफा का माना होता है दोस्तों मोहब्बत और वफादारी मोहब्बत और वफादारी मोहब्बत और वफादारी तो तीनत में तीनत का मतलब आप वही फितरत का माना यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि भाई तुम्हारी फ़ितरत में शर्म भी है शर्म या हया भी है और तुम्हारी फितरत में मोहब्बत और वफादारी भी है मोहब्बत और वफादारी है आगे है गट्टी में है सब्र और रजा और इंसान इबारत तुम से है इंसान इबारत तुम से है गट्टी का माना भी यहाँ पर दोस्तों फितरत में शामिल होना ही है गट्टी का माना क्या है फितरत में शामिल होना यानी कि तुम्हारी फितरत में सब्र और रजा भी है तुम्हारी फितरत में सब्र और रजा भी है और इंसान की जो इबारत है वो भी तुमसे है इबारत का माना यहाँ पर ताबीर करना या बयान करना ताबीर ठीक है यानी कि तुम्हारी फितरत के अंदर अगर हम इन इन दोनों लाइनों का वापस मफहम समझें तो ये औरत की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारी फितरत जैसे शर्म है उसी तरीके से तुम्हारी फितरत में मोहब्बत और वफादारी भी है और उसी तरह तुम्हारी फितरत में सब्र रजा भी है सबर करने वाली भी है और उसी तरह इंसान की इबारत भी तुमसे यानी कि इंसान की जो तबीर है ताबीर वो है वो भी तुमसे है मौनिस हो खाविंदों की तुम और गम ख़्वार फ़र्जंदों की तुम तुम बिन है गर वीरान सब घर भर में बरकत तुमसे है मोनिस मौनस हो खाविंद मौनिस का माना होता है दोस्तों मोहब्बत करने वाला मौनस का माना क्या है मोहब्बत करने वाला मौनस का क्या माना है मोहब्बत करने वाला और खाविंद का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से आप ये मान लो कि जीवन साथी खाविंद का माना क्या होता है दोस्तों जीवन साथी यानी कि जीवन साथी अगर कोई किसी का लाइफ पार्टनर या जीवन साथी है उसकी मोहब्बत हो तुम और गम ख्वाल फर्जंदों की तुम यानी कि जो गमगीन है जो ओ, कोई गम ख्वाल अगर कोई बेटा है तो उसकी भी ताकत जो है वो तुम ही हो ठीक है और तुम बिना है घर वीरान सब घर भर में बरकत तुमसे है और तुम्हारे बिना चाहे कोई सा भी घर हो वह बिल्कुल वीरान है और घर सारे जितने भी घर हैं उनमें सब में बरकत भी सिर्फ तुम ही से है ठीक है दोस्तों अगला अगला जो शेयर है वो पढ़ते हैं तुम आस हो बीमार की और ढारस हो तुम बेकार की दौलत हो तुम नादार की उसरत में इशरत तुम से है दोस्तों बहुत मुश्किल सेंटेंस है मुझे आप दोस्तों आपको इस इस तरीके से इस वीडियो को एक दो बार देखना और आपके ये इजीली समझ में आ जाएगा और जो मैं कठिन जो मुश्किल डिफ़िकल्ट जो वर्ड बता रहा हूँ उनके मीनिंग भी आप साथ में नोट कर लें दो तीन बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा तब जाकर ये वीडियो समझ में आएगा तो तुम आस हो बीमार की और ढारस हो तुम बेकार की तुम आस हो बीमार की यानी कि तुम उम्मीद हो किसकी बीमार की और ढारस यानी कि तसली हो तुम किसकी बेकार की अपन ढारस बनाते ना कि कोई नहीं कोई नहीं बेटा आपकी बार हो जाएगा तो एक बेकार आदमी होता है उसको इस तरीके से हिम्मत बनाते हैं ना अपन तो आपको देखा होगा आपने देखा होगा जब भी कभी भी कोई भी बच्चा चाहे कितनी भी गलती कर ले उसके चाहे वाले दो बड़े भाई हो दादा जी हो सब उसको डांट लगाते हैं फटकार लगाते हैं लेकिन जो माँ का दिल है वो पिघल जाता है चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो ठीक है दौलत तो हो तुम नादार की यहां पर तीन लफ्ज हैं दोस्तों एक तो नादार भी आया है एक उसरत भी आया है और एक इशरत भी आया है बिल्कुल बेसिक साख फर्क है दोस्तों समझना यहां पर देखो असरत एन सीन एन के ऊपर जबर है और इशरत एन आया है सिर्फ और एन के नीचे जेर आया है बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। उस, ए, असरत और इशरत में ये दोनों नाम है ना तो नादार नादार का माना हो गया वही दोस्तों जैसे मुफलसी या गरीबी बोल सकते हो आप और असरत असरत का माना होता है गरीबी असरत का माना क्या होता है दोस्तों गरीबी और इशरत का माना होता है दोस्तों खुशहाली ये दोनों दोस्तों एक तरह की ज़िद है आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नजम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने रीठ के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट नजम है जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों तो इस शेयर को समझते हैं हम कि तुम आस हो बीमार की ढारस हो तुम बेकार की शायद लिखते आगे कि तुम बीमार की जो है वो आस हो एक उम्मीद हो लेकिन जो बेकार बेटा है उसकी तसली भी हो ठीक है दौलत हो तुम नादार की यानी कि तुम एक गरीब की दौलत भी हो और उसरत में इशरत तुमसे है उसरत उसरत यहां पर ए, एन के ऊपर पेश है दोस्तों एन के ऊपर पेश है यहां पर तो उसरत में इशरत तुमसे है उसरत का माना हो गया गरीबी गरीबी में खुशहाली जो है वो सिर्फ तुम तुम ही से है गरीबी में जो खुशहाली है वो तुमसे ही है तो दोस्तों ये आज आपका औरतों का दर्जा एक नजम थी और इसके जो मुश्किल लफ्ज हैं वो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके शादी शादी का माना हो गया दोस्तों खुशी शादी का क्या माना हो गया खुशी वो शादी नहीं है जो एक लड़का और लड़की से करते हैं वो शादी नहीं है यहाँ पर मुराद शायर ने शादी की जो है वो मुराद यहाँ पर ख़ुशी के माने में लिया है गुरबत का माना होता है वतन या घर से दूरी वतन या घर से दूरी हलावत हलावत का माना होता है मिठास हलावत का माना होता है मिठास हलावत का माना होता है मिठास इफत इफ़त इफत इफ़त का माना होता है पाकिजगी या परहेजगारी तीनत तयत का माना होता है शरशित या खसलत ख़लत तयत इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों दो तीन बार ये नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है महर वफ़ा महरो वफा का माना होता है मोहब्बत और वफ़ादारी मिरो वफा मिररो वफ़ा और गुटी में होना गुट्टी में होना का माना हो गया फ़ितरत में शामिल होना गुटी में होना इबारत इबारत का माना हो गया तबीर या मिसाल इबारत तहरीर को भी कहते हैं वैसे इबारत मतलब कोई लिखी हुई चीज़ उसको भी वैसे कहते हैं मौनिस 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 का माना हो गया मोहब्बत करने वाला गम ख्वार गम ख्वार गम बाँटने वाला फ़रजंद का माना हो गया बेटा फरजंद फर्जंद का माना हो गया बेटा नादार नादार का हो गया मुफलिस और उसरत ये देखो ये दोनों नाम आ गए ना दोस्तों उसरत और इशरत बिल्कुल एक तो छीन का फ़र्क है और पेश और जेर का फ़र्क है उस का माना हो गया तंदस्ती या गरीबी और इशरत का माना हो गया आराम या खुशहाली आराम या खुशहाली आगे बढ़ते हैं हमारे घर और समाज में औरतों का वजूद एक खास अहमियत रखता है हाली साहब ने इस नजम में औरत को बहुत सी खूबियों से खूबियाँ बयान की है लेकिन औरतों के साथ ज़्यादती के वाक़ भी दुनिया में बहुत आम हैं इसका सबब यह है इसका सबब आपके क्या है यहाँ पर दोस्तों ये क्या जो नाम है वो कट गया है इसका सबब क्या है इसका कारण क्या है और औरतों की हालत को कैसे बेहतर किया जा सकता है ये हमें सबको सोचना है दोस्तों निचले के अल्फाज को आवाज़ से पढ़िए भाई हलावत इफ्त क़ीनत गुटी गुट्टी ख्वार उसरत इशरत इसका माना वापस बता दोस्तों हलावत वही हलवाई से मिठाई याद रख लो और मिठाई का माना पाकिजगीत का माना फ़ितरत गुट्टी का मतलब फितरत में ही शामिल होना गम ख्वार का मतलब हो गया हमदर्द और उसरत का माना हो गया गरीबी और इशरत का माना हो गया खुशहाली ये दोनों लफ्ज़ दोस्तों याद करना है याद करना है याद करना है दुनिया की जीनत किस के दम से है भाई औरतों से ही है ठीक है औरतों से ही है शायर ने औरत को कौन सी खूबियों से नवाज़ा है औरत ने तो बहुत सारी सारी खूबियाँ इस पूरे लेक्चर में औरतों की खूबी भरी पड़ी है अगर आपने लेक्चर को सही से सुना है तो तुम हो तो गुर्बत है वतन तुम बिन है वीरान चमन इस मिसरे का मतलब लिखिए भाई तुम हो तो गुरबत है वतन यानी कि वतन पूरा एक तरीके से खाली है तुम्हारे बिना ठीक है जैसे ऐसे लग रहे हो जैसे हम किसी दूसरी जगह पे आ गए हैं अगर तुम नहीं हो तो पूरा का पूरा जो चमन है वो पूरा हमारा वीरान लगता है इस तरीके से आप सेंटेंस को सेट कर सकते हैं इसको नीचे लिखे अल्फाज की वाहिद बनाइए शहज़ादियाँ आबादियाँ शादियाँ तो शहज़ादी ये शहज़ादियाँ की वाहिद क्या हो जाएगी दोस्तों शहज़ादी वाहिद क्या हो जाएगी शहज़ादी और आबादियाँ का वाहिद क्या, वाहिद क्या हो जाएगी आबादी ठीक है और शादियाँ शादियाँ की वाहिद क्या हो जाएगी शादी ठीक है दोस्तों अब ये आज आपके लेक्चर था दोस्तों और कैसा लगा ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है मुझे मालूम है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मुश्किल को ही हमें आसान बनाकर पढ़ना है समझना है तभी तो हम लीड करेंगे आगे के लिए तो दोस्तों अगर कंटेंट में कोई समस्या है और किसी लफ्स का माना अगर समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा और गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने साथियों से दोस्तों से बस एक ही फ़रियाद है आपसे और हमारी सीरीज लगभग कक्षा आठ की पूरे वाने पूरी होने वाली है तीन चार पार्ट और बचे हैं और कैसा लग रहा है कंटेंट दीजिए मुझे इजाज़ फिर से एक नए फिर से एक आपके मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ खुदा हाफिज़ जय हिंद जय जे भारत